चलो स्टार्ट करें कि नहीं। चलो तो आज पढ़ना अपन को क्या, करड़ी। कल पढ़ा था भातांग, आज पढ़ना है करड़ी। ठीक है, तो करड़ी के नियम सबसे पहली चीज क्या है, करड़ी के नियम क्या क्या हो गया? गीली गीली कैसे हो गई? चटाई गीली कैसे हो गई? देख रही तो मत दो, उसकी लाइट मत दी है ना। देखिएगी यार, बस थोड़े थोड़े ही दिनों की बात है, धीरे धीरे सब कुछ होता है, एक हफ्ता थोड़ी कुछ होता है। अभी मोबाइल का यूज हो रहा है, फिर कैमरे का यूज होगा, ड्रोन को यूज। नहीं नहीं नहीं, ड्रोन का यूज कर आसमान में वीडियो बनाना है, आसमान में थोड़ी यूज बना भाई ड्रोन का यूज करने के लिए। अरे यार मारा वाला मेरे से लाइक हुआ तो बताएं, लाइक सब्सक्राइब, ये इतनी ठंड में पड़ा हुआ है। सही लेते आप जो है क्या लेता अच्छो रजिस्टर ऐसे ही नहीं मिलो पास। चलो हेडिंग डालते हैं अपन करड़ी। हम डाले ले अपने, तुम तो रोज जाते हो। रोज के लिए मुझे क्या करना है? रोज के लिए मतलब रोज के लिए नहीं, करड़ी के लिए। यहाँ देखो करड़ी के नियम, पैसे दो तो मैं लेती आऊंगा, आज जाऊंगा मुझे। अभी दौड़ लगा के दे जाना बस। सुनो ध्यान से, आप ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ। यहाँ पे तुमको एक चीज पता है, जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे ए, रूट का ए, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब? रूट का ए लिखा तो वर्ग मूल होता है, वर्ग नहीं वर्ग मूल, क्या है ये? वर्ग मूल होता है। अब ये वर्गमूल होता है, यहाँ पे होता है दो, कितना होता है? दो होता है, दो कि नहीं होता ये पता है बात? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट का एक बटे में दो है कि नहीं? रूट कितना होता है? मतलब यहाँ पे दो रूट का ए है, यहाँ पे ए की घात है एक बटे दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यदि मान लो ये है मेरे रूट का, मतलब यहाँ पे तीन रूट का ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए की घात एक बटे तीन हो जाएगा ना? यस। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज और करूँ, एन, क्या कर दूँ? एन रूट का ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए की घात एक बटे एन एन, और जो कि हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना? समझ आ रही बात? ये फॉर्मूला में डायरेक्ट भी लिख सकता था, है कि नहीं? समझ आ रही बात कि नहीं समझ? ये बताओ पहले तो, ठीक बात साफ दिख रही है लेकिन क्या थोड़ा एडिटिंग मतलब थोड़ी कंप्रेस होती ना वीडियो, तो फिर थोड़ी क्वालिटी कम हो जाती उस हिसाब से। देख लो आगे, अभी तो साफ दिख रही है बिल्कुल। आगे देख लो, जैसे मैंने लिखा ए गुणा में बी लिखा ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ? इसको लिख सकते हैं हम लोग ए रूट में और गुणा में रूट।
लिख सकते कि नहीं, है कि नहीं। अब मेरे पास लिखा जैसे a बटे में b लिखा ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे रूट का a बटे में रूट का b लिख सकता हूँ ना कि नहीं लिख सकता हूँ, ये चीजें लिख सकता हूँ। अब मान लो यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है n रूट का a और घात में n, तब क्या आएगा बताओ, है? मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे देखो ये है, इसको ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो a एक बटे में n घाते n, है ना, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा a एक बटे में n गुणा में n, n से n कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा a अकेला, तो यहाँ पे आ जाएगा n रूट का a का होल n बटे में मतलब बराबर में a। समझ आ रही बात, इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, आ रही ना, तो ये हो, इतने सारी चीजें मतलब कर सकते हैं, मतलब और भी हो सकते हैं, है ना, और भी है, कई हो सकते हैं और, ठीक है ना, जैसे यदि मैं बात करूं और भी हो सकते हैं, तो इसी फॉर्मूले से बनेंगे, और जितने भी बनेंगे ना इन्हीं फॉर्मूले से बनेंगे सब के सब। जैसे मान लो मेरे पास एक ये वाला है, इस पे लिखता हूं जैसे n रूट का a गुणा में b, तो क्या बनेगा इसका, जैसे इसका क्या बन जाएगा, n रूट का a गुणा में n रूट का b होगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a एक बटे n गुणा में b एक बटे n, होगा कि नहीं होगा बताओ, कि नहीं होगा, होगा ना, जब ये होगा तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा a गुणा में b का एक बटे n, तो यहाँ पे आ जाएगा n रूट का a गुणा में b, ये वाली बताओ होगी कि नहीं होगी, ये बताओ सारी ए बी भी लिख सकते हैं, कैसा ए और बी साथ साथ ए बी एन, हाँ हाँ लिख सकते हैं, मैं गुणा भी लिख दिया, मैंने चिन्ह लगा दिया, ए बी की घात एक बटे एन लिख सकते हैं, मतलब होल स्क्वायर कोष्ठक लगाना पड़ेगा। अब जैसे इसको भी देख लो, इसको देख लो, जैसे इससे भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, कौन सा, जैसे मैंने लिखा एन की घातें ए बटे में मतलब एन रूट के अंदर ए बटे में भी, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते कुछ n बराबर में, देखो n रूट का a बटे में n रूट का b लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटे में n देख लो, और a मतलब यहाँ पे b देख लो, यहाँ पे b बटे में एक बटे n लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, क्या करो इसको ऊपर ले जाओ, है ना, गुणा में, तो जब गुणा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की घात में एक बटे n गुणा में b माइनस का एक बटे n हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो माइनस का है और ये प्लस का है, बताओ क्या होगा, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आ सकता है कि n रूट का a बटे में b बराबर में a की घातें एक बटे n और बटे में b की घातें एक बटे n, समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, इतनी बात समझ आ रही, ये बताओ पहले तो, ठीक है, इतनी चीजें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये चीजें बस हम लोग लिखना थी, और यही अपने फॉर्मूले हो गए सबके सब हो गए, बताओ और कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत, तो ये होगी अपनी करड़ी, क्या हो गई, करड़ी करड़ी करड़ी, है ना, कल पढ़ा था घातांक, आज पढ़ ली करड़ी, वीडियो भी बन रही कि नहीं बन रही, सुनी कि अपन रिकॉर्ड कर रहे हो, यहाँ पे बंद पड़ा है वीडियो, हाँ बंद तो रही है, अच्छी साफ भी दिख रही,
ठीक है। चलो ये हो गया अपने पास कि नहीं होगा, तो तुमको ये फॉर्मूले याद रखना, एक फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, ये चार फॉर्मूले पास काफी है। तो ये तो इसी में से एक आप क्वेश्चन आ जाएगा आपके टेस्ट में, इसी के बेस पर एक आप सवाल करें करें इसका, ठीक है। तो चलो करते हैं, चार रूट का 64, इसको सॉल्व करके बताओ। चार नहीं 64 एक बटे दो चार, कैसा एक बटे दो चार? ऐसा देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा, एक ये वाला फर्स्ट वाला है ना, तो यहाँ पे 64 एक बटे चार तो घात में एक बटे चार होगा कि नहीं? 64 को क्या किसकी घात लग सकते हैं? चार की घात लग सकते हैं। तो चार की घाते चार, चार चौके 16, ऐसा लिखो। चार चौके 16 तो तीन लिख सकते हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा लिखो कि तुम्हारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये चार, चार की घात लिखो, ऐसे चेक करते हैं 64, जैसे दो से काटो द्वितीय छ है ना, दो दो नी चार, दो एकम दो सोलह है ना, दो आठ, दो यहाँ पे आठ आ गया, चार यहाँ पे चार आ गया, दो यहाँ पे दो आ गया, यहाँ पे एक आ गया, मतलब एक दो तीन चार पाँच छ है ना, एक काम करो यहाँ पे छह लिख दो, सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना, छह लिख दो इतना, क्योंकि आपको सॉल्व करना सवाल, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो की घात में छ है ना, एक बटे में छ, तो यहाँ पे आ जाएगा दो की घात में छ गुणा में एक बटे में छ, छह से छह कट गया, यहाँ पे आंसर दो आ बनेगा, बताओ कि नहीं बनेगा, है बनेगा ना, कोशिश क्यों बनना चाहिए। अगला देख लो, ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, देख लो ध्यान से। मैं करता हूं 3√512, इसको सॉल्व करके बताओ। 3√512 क्या आएगा, किसका घन है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 512 की घात एक बटे में तीन लिख दिया ना कि नहीं लिखा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 की घात 3 लिख सकते हैं, 8 को 1 बटे 3, 8 में 64, 64 ठीक कितना होता है, गुणा कर दो 812 है 30, 32 3 25 की दो 3, बोलो बोलो कितना आ रहा है, 512 आएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे 8 की घात 3 गुणा में 1 बटे में 3, जैसे 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 8, किसका, किसका, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, ऑप्शन में क्या दिया है अलग चीज है, ठीक है ना, ऑप्शन में हो सकता है 2 की घात 3 भी दिया हो सकता है कि नहीं, तो अपन को 2 की घात 3 लिखना पड़ेगा, समझ आ गई बात, ऑप्शन में रहता है, ऑप्शन में क्या रहता है। हालांकि इतने मतलब थोड़े घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, चलो एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट सा देखते हैं, ठीक है। चलो 2x³ + 4y
की घात है 7, 1 की घात है 0 प्लस का 2 रूट का 2 रूट का नहीं 3 रूट का 8 माइनस का 4 रूट का 4 रूट का 4 या 4 रूट का ऐसा करो 16, ठीक है ना, 4 रूट का 16 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, सॉल्व करो। क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, समझो और बताओ, जल्दी बताओ तो। हाँ सही रहेगा तू में1/3 - 16 / 1/4, ठीक है, तो 1 प्लस का 2 की घात है 3 गुणा में 1/3 माइनस का 2 की घात है 4 गुणा में 1/4, समझ आ रही बात की नहीं आ रही, तो 4 से 4 कट गया क्योंकि 2 2 नहीं 4, 4 2 8, 8 2 16 और 3 से 3 कट गया, तो 1 प्लस का 2 माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 3। सही होगा, 2x की घात है, देख देना है ये कितने का घात 0 है, कौन सा एक नहीं आएगा इसका, सही पे तो सब है संख्या को एक आना चाहिए, कैसे एक का आना चाहिए यहाँ पे, क्या सब की इसका आंसर एक है, उस पूरा कोष्टक क्या लगा देख लो तुम, बड़ा कोष्टक पे लगा है 0, यानी 3 8 2 सही हो, फिर जो 16 होगा गलत हो, इसका 2 की घात है तुमने किससे 4 लिखा, नहीं कितना लिखा, 4 की घात है, चार तो कैसे हो जाएगा, अरे तो यहाँ पे अपन को 4 बनाना है, घात क्या है यहाँ पे, 4 है ना 1/4, हाँ 4 घात बनाना है, ठीक, हाँ नोट कर लो, ऐसे करना था। अगला क्वेश्चन चलो सेट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, तो
बताओ कितना आएगा? -5। कितना? -5। देखो मैंने एक बात तो बोल दी कि सबका मान एक है, x का भी y का भी और z का भी मान एक है कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2+4+6 है ना, -3। यहाँ पे 3+6+8 तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 12 आ जाएगा, -17 आ जाएगा है ना। कौन सा कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। हो गया ऐसे आंसर ठीक है। नोट कर लो सवाल को। ठीक है चलो एक सवाल चलो देखो ध्यान से एक सवाल करता हूं मैं। आई तो लोग जेड तो लेते हैं कहां कहां चलिए 8 किलो वाले का मत सही। अरे यहां एक्स वाई तो लिखा आपने कोई चाहिए है एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड ए बटे में बी कितनी बात समझ आ रही? ये क्वेश्चन लिखा है। अब सिद्ध और इसके बराबर सिद्ध करना है तुमको क्या पता है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध मतलब आंसर निकालना है। चलो इसका आंसर निकालो। सिद्ध मतलब कुछ नहीं करना है, आंसर निकालो क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? एक बटे सारी एक्स सारी ए देखो सारी हम बोल रहे हैं बोल आंसर एक्स नहीं सारी ए ए बटे में बी की घात है एक बटे एक्स प्लस ए बटे बी की घात है एक बटे वाई प्लस ए बटे बी की घात है एक बटे जेड। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? कितनी बात समझ आ रही है ना? अब देखो इसमें अपन को बेसिकली यहाँ पे एक चीज है। क्या है एक चीज? जैसे यहाँ पे ए की घात है मतलब ए की घात है एक बटे एक्स बटे में बी की घात है भी एक बटे एक्स आ गया ना प्लस का। जहां तक सॉल्व करते जाओ वहां तक कर दो ठीक। जहां तक सॉल्व होते जाए तो एक की घात है एक बटे वाई और बी की घात है एक बटे वाई प्लस का ए की घात है एक बटे जेड बी की घात है एक बटे जेड। ये अपने मन से देख दे दिया मैंने सवाल। चलो देखते हैं ए ए एक बटे में एक्स है ना गुणा में बी माइनस का एक बटे में एक्स ठीक है प्लस का ए एक बटे में वाई इंटू बी माइनस का एक बटे में वाई प्लस का इंटू मतलब बी माइनस का एक बटे में मतलब जेड लिखा है ठीक है जेड बटे में एक माइनस का एक बटे में जेड वाई ठीक है ना। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? कितनी बात समझ आ रही है ना है ना समझ आ रही ठीक है। अब इसमें सिद्ध करने के लिए तुम्हारे को ये पार्ट दे रखा है। अब आगे तो सॉल्व भी नहीं होना है। क्या सॉल्व होगा? कुछ भी नहीं हो रहा ना सेम टू सेम अच्छा होते तो कट जाता कट जाता। तो यहाँ पे मतलब प्रूफ करना है यहाँ पे तो ये वाला पार्ट लिख देना तुम प्रूफ करने में कि ए एक बटे एक्स माइनस का बी माइनस का एक बटे एक्स प्लस का ए एक बटे वाई इंटू बी माइनस का एक बटे वाई प्लस का ए एक बटे जेड इंटू बी माइनस का एक बटे
समझ आ गई बात। तो अब देखो ये क्वेश्चन में अपने मन से बना लो, बोलो कैसे है, पहले आंसर निकाल दिया फिर बाद में सिद्ध करना लिख दिया है, मतलब ऐसा हो सकता था, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पहले से बने रखे थोड़ी है, ये तो मैं अपने मन से दे रहा हूँ जब, ठीक है ना। तो इतना सॉल्व कर सकते हैं इसके आगे और कुछ नहीं, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा अपना, ठीक। तो बोल देगा प्रूफ दैट, ये प्रूफ करो आर बराबर आर एच एस, ये आ जाएगा आर एच एस, हाँ इसके बराबर। अभी लिख दिया ना मैं सिद्ध करके, तो इसके बराबर। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल आते नहीं है अभी तक से, हो सकता है देखो पेपर में क्या हो, पेपर में सॉल्व करके ही तो देते हो। पहले पहले क्या करते हैं कि पहले वो पेपर को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, है ना, और फिर उनको लिखते हैं, वरना उन्हें कैसे पता चलेगा आंसर क्या आया है, ठीक है ना। पहले सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा, फिर ऑप्शन देते हैं वो, फिर बाद में ऑप्शन देते हैं सॉल्व करने के बाद। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो अगला। यदि यदि x बराबर एक, y बराबर दो, z बराबर तीन है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो ये है रूट, ठीक, गुणा में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो, चेक करके देख लो क्या आंसर होता है, करो ज्ञात मान। यदि x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3 है तो मान ज्ञात करो। और एक बात और बता दूं मैं, देख लो यहाँ पे, देख लो देख लो देख लो, यहाँ पे 2 लिख दूं, रहने दो छोड़ो मान, ऐसे ऐसे ही करो तुम, तो करो कैसे ना है, कैसे क्या करो जैसे बन जाए, 9 13 और 14 14 बड़े रूट का 14 बड़े रूट का माइनस 13 माइनस 13 एक माइनस 13 का सुनो ध्यान से, x का मान 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर गुणा में 1 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट में 1 प्लस 4 प्लस 9 गुणा में 1 माइनस 4 माइनस 9, ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 रूट के अंदर गुणा में 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 12, यहाँ पे आ जाएगा 13, तो यहाँ माइनस का 12। अब एक बात बताओ ये कैसी संख्या है, ये तो वास्तविक है ही नहीं, नहीं सर ठीक है ना, तो इसका आंसर यही होगा रूट 14 गुणा में रूट माइनस का 12, यानी माइनस को सॉल्व नहीं कर सकता, नहीं इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, एक वैल्यू आयोटा का नाम सुना होगा तुमने, आयोटा ठीक है ना, एक काल्पनिक संख्या होती है, तो ये वास्तविक जब रूट के अंदर माइनस आ जाए ना तो वास्तविक नहीं होती, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। ठीक है, ये अपना कर्णी हो गया और इसके सवाल भी हो गए।